अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और बस आज का दिन हम सब के लिए खुशियों भरा साबित हो। अल्लाह पाक हम सब के घरों में खुशियाँ, रहमतें, बरकतें नाजिल फरमाएं, अपनों का साथ बनाए रखे। तो बस खुशियाँ बाँटें, खुश रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, गम गिले शिकवे सब भुला दें। जिसके साथ कोई रंजिश थी, दिल में कुछ था, सब भुला दीजिए आज के दिन और गले मिलने, और यही हमारा दीन हमें सिखाता है। तो बस आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देनी थी, और इसके अलावा मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी वीडियोज़ आएंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी और आप देख सकेंगे। तो आज तो हो गया हमारा ईद का दिन, अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा कि मैंने आज क्या क्या किया और मैंने आज क्या पकाया, आज मैं क्या पका रही हूँ ईद वाले दिन और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बस ऐसे मेरे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज़। और ईद की सुबह है ये, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मैंने अपने घर की सेटिंग कर ली है। ये है मेरा डाइनिंग एरिया, और ये कवर मैंने आपको दिखाया था, डाइनिंग कवर अपना जब मैं शॉपिंग की थी मैंने, कि मैं आपको ये लगा के दिखाऊंगी। तो बस मैंने अभी सब कुछ रेडी कर लिया है, क्योंकि माशाल्लाह से अभी ईद की सुबह है और मेरे हस्बैंड जो हैं और मेरा बेटा माशाल्लाह से ईद की नमाज़ के लिए गए हुए हैं। तो जब वो आते हैं तो घर में हर चीज़ रेडी होती है, और ये लाइट्स मैंने ऑन कर दी थी, और मुझे बड़ी पसंद है, लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और माशाल्लाह से ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि जो होते हैं खुशियों भरे, और इस दिन घर सजा होता है तो लगता है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ख़ुद अपना आप बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये मेरा साइड बोर्ड एरिया है, और ये मैंने कुछ चेंजेस इसमें की हैं यहाँ पे। तो हर चीज़ ही माशाल्लाह से नई लेकर आती हूँ मैं रमज़ान के लिए, ईद की तैयारियों के लिए। तो देखिए कैसा लग रहा है मेरा घर। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं नमाज पढ़ के। तो वो जब भी आते हैं ईद वाले दिन तो वो निम्को और मिठाई ज़रूर लेकर आते हैं। तो ये निम्को है और ये है जनाब मिठाई, और मिठाई हमारे यहाँ आती है असरे शरी से। जो कराची में रहने वाले वो तो जानते ही होंगे कि असरे शरी कहाँ है, और यहाँ की बेस्ट मिठाई होती है, बहुत यम होती है। तो ये हमारे यहाँ मस्ट आती है ईद वाले दिन, इसके बगैर समझे हमारी ईद अधूरी है। और माशाल्लाह देखिए क्या रौनक है और क्या मिठाइयाँ हैं, बहुत मज़े की होती है माशाल्लाह से। तो बस इसी तरह खुश रहें, सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।